बिलासपुर जिले से जोबट विधानसभा क्षेत्र में विधायक सेना महेश पटेल, मंत्री नागर सिंह चौहान ने किया करोड़ों की विकास योजनाओं का भूमि पूजन। जोबट विधानसभा क्रमांक क्षेत्र 192 में माननीय कैबिनेट मंत्री नागर सिंह चौहान जी व जोबट विधायक सेना महेश पटेल जी द्वारा जोबट विधानसभा के ग्राम सेमलाया में तालाब का भूमि पूजन, 60 लाख उदयगढ़ ग्राम पंचायत कालूवाट में जमरा फलिया में 55,52,000 व सूखा अंबा फलिया कालूवाट में 44,81,000 व चंद्रशेखर आजाद के ग्राम पंचायत छोटा भावटा में तालाब निर्माण कार्य, तड़वी फलिया छोटा भावटा में 65,72,000 रुपये व चंद्रशेखर आजाद नगर ग्राम पंचायत रोली गांव में तालाब निर्माण कार्य, ऊंचावास फलिया रोली गांव में 55,52,000 रुपये के निर्माण कार्यों का भूमि पूजन किया गया, जिसमें कांग्रेस के पदाधिकारी एवं कार्यकर्तागण व ग्रामवासी मौजूद रहे। अलीराजपुर से जिला ब्यूरो चीफ जितेंद्र यादव की खास रिपोर्ट। सभी को मेरा नमस्कार। आज इस भूमि पूजन में मैं हमारे नागर सिंह भाई साहब को धन्यवाद देना चाहूंगी, जिन्होंने आज हमें हमारे विधानसभा में समय दिया भूमि पूजन करने का। साथ ही हम सब मिलकर हमारे विधानसभा में कैसे विकास करना और हर विकास को, हर योजनाओं को जमीन पर कैसे ले जाना, ये हमारा संकल्प है। हम सब मिलकर हमारे जो जो योजना का लाभ से वंचित है, उन हर योजना का लाभ दिलाने का काम हम करेंगे। हम सब मिलकर विकास को आगे बढ़ाएंगे। मैं चाहूंगी, चाहे वो कंट्रोल का मामला हो, चाहे वो पीएम आवास का मामला हो, चाहे वो नल जल योजना का मामला हो, चाहे वो कोई से भी पंचायतों के माध्यम से कुएं का मामला हो, जो जो काम होगा वो जमीन पे होना चाहिए, ये हमारा संकल्प है। सरकारें आती है, सरकारें बनती है, जाती है, लेकिन असली मुद्दा है जनता को काम होना चाहिए। अगर जनता का काम हुआ तो हमारा नेता बनना सक्सेस हो गया। अगर आज जनता दुखी है और काम नहीं हुआ तो हमारा इस कुर्सी पे बैठना भी व्यर्थ है। इसलिए मैं मेरे कालूवाट के सभी भाई बहनों को विश्वास दिलाती हूँ कि आपके जो जो समस्या होगी, चाहे वो हेडपंप हो, चाहे वो तालाब हो, चाहे वो खरंजा हो, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास हो, आपकी जो भी समस्या होगी उन समस्या का समाधान सेना महेश पटेल करेगी और आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपने मुझे आपके क्षेत्र का नेतृत्व करने का मौका दिया। मैं विश्वास के साथ कहना चाहती हूँ कि नागर सिंह भाई साहब ने आज हमें समय दिया और निश्चित ही विकास में कोई कमी नहीं आएगी। हम सब मिलकर आप लोगों का काम करेंगे। और ये जो तालाब का हमारे वेस्ता भाई ने और सभी टीम ने लिख कर दिया था और मैं ये मंजूर करा कर लाई हूँ, और निश्चित ही तालाब बनने से हम सभी को फायदा होगा, पूरे गांव वालों को फायदा होगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। निस्तार तालाब भूमि पूजन के इस शुभ अवसर पर पधारे हुए हमारे वन मंत्री भाई साहब नागर सिंह चौहान, उपस्थित भाजपा के जिला अध्यक्ष परवाल जी, उपस्थित सामान्य मेरे वरिष्ठगण, यहाँ पर उपस्थित सभी अधिकारीगण और उपस्थित सभी मेरे पंच, सरपंच, जनपद पंचायत के सदस्य, अध्यक्ष, सभी मेरे भाइयों बहनों, आप सभी को मेरा नमस्कार। जैसा कि हम जानते हैं, जब चुनाव का टाइम आया था, आप लोगों ने ही मांग उठाई थी कि हमारे गांव में तालाब की कमी है। कहीं ऐसे भी प्रस्ताव आए हैं जहां रोड की भी जरूरत है, कहीं ऐसे भी प्रस्ताव आए हुए हैं जहां कुएं की भी जरूरत है, प्रधानमंत्री आवास की भी जरूरत है और फलिये फलिये में हेडपंप लगाने की भी प्रस्ताव आए हुए हैं। मैं पनेरी के मेरे भाइयों से यह विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि आपके गांव की जो जो समस्या है उसको निश्चित ही बहुत जल्दी दूर किया जाएगा। और आज आपको याद दिला दूं, ये हमारी मेहनत से, प्रशासन की मेहनत से और भाई नागर सिंह चौहान की मेहनत से आज आपके क्षेत्र में ये तालाब का कार्य भूमि पूजन हुआ है। कन्वर्ट पाइप पुलिया
प्रोग्राम में पधारे हमारे मंत्री महोदय, सम्मान्य मंच, उपस्थित मेरे सभी भाइयों, हमारी बहनों, सभी मेरे पत्रकार साथियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। जिस तरह से ये पाइप पुलिया बनने जा रहा है, कई बार अवगत कराया और आवेदन भी आए, उसको ध्यान में रखते हुए इस काम को अंतिम रूप दिया है और उसका आज भूमि पूजन किया गया है। हम सब चाहते हैं कि हमारे हर वर्ग को किसी न किसी योजना का लाभ जरूर मिले। निश्चित ही यह पाइप पुलिया बनने से यहाँ के रहवासियों का आने जाने का जो कठिनाई हो रही थी वो समाप्त हो जाएगी। और मैं नागर सिंह भाई साहब से निवेदन करूंगी कि हमारे विधानसभा में कई ऐसी जगह है जहाँ पे पाइप पुलिया, कई तालाब, कई स्टॉप डैम, कई ऐसे हेडपम्प, बहुत सारी समस्या है जो आपके माध्यम से और हम सब मिलकर उसका समाधान करेंगे। और मैं यहाँ की जनता को विश्वास दिलाती हूँ, आपकी जो भी समस्या होगी गांव से लेकर सड़क तक, चाहे वो हेडपम्प की हो, चाहे वो पोल और खम्भे की हो, चाहे वो तालाब की हो, और बहुत बड़ी समस्या हमारी अभी आज की तारीख में ये आ रही है। मैं माननीय मंत्री जी को अवगत कराना चाहूँगी, कई ऐसे जगह है जहाँ पे समय पे अनाज नहीं मिल रहा है, तीन तीन चार चार महीने हो गए हैं, लेकिन कहा जाता है कि अब स्टॉक नहीं है, और जब स्टॉक आ जाता है तो वो वितरण नहीं होता है। तो बहुत सारी ऐसी कुछ त्रुटियां भी हो रही है, उसमें थोड़ा सा सुधार हो जाए ताकि इन लोगों का उनका हक का अधिकार मिल सके। मैं आप सभी से निवेदन करूंगी कि आपके काम की गति हमेशा आगे बढ़ती रहेगी, आपको कोई परेशानी नहीं आएगी, आपकी जो भी समस्या होगी उस समस्या का समाधान करने के लिए आपकी विधायक सेना महेश पटेल आपके साथ में खड़ी है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।